प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों पे और खासकर मोदी जी का जो रूस का दौरा रहा उससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी साजिद ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। सर आज अमेरिका से ही शुरू करते हैं और अमेरिका और भारत के रिलेशंस पे आज हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप। देखिए कल यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मोदी साहब जब से रशिया गए हैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हलचल मची है और मचनी चाहिए भी थी जाहिर है। फिर उसके बाद एक बड़ा वाकया ये हुआ कि मोदी साहब के वहां होने पे ही जहाँ जब यहाँ पे नेटो की समिट शुरू होने वाली थी 75वीं और उसी दिन शाम को रशिया गए यूक्रेन के 6 शहरों के ऊपर मिसाइल जो है वो फेंके, जिसमें एक जो था किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे गिरा और जिससे 36 लोग मारे गए। टोटल सारे मारे गए लेकिन उन सारे हमलों में, लेकिन उसमें कुछ बच्चे भी थे। मोदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका अपना उस पर रिजर्वेशन का इजहार भी किया, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके भी कहा कि जंगें जो हैं वो हालात नहीं है बल्कि रशिया के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे मरते हैं तो उससे दुख होता है। उस पे पुतिन साहब ने भी जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो परेशान थे कि मोदी साहब वहां पे इस सेंसिटिव मौके पर वहां क्यों। दूसरा एक और भी बात बताना चाहूंगा, सिर्फ यही नहीं हुआ, जब नेटो की समिट शुरू होने वाली थी चाइना ने बेलारूस के अंदर अपनी लाइव एक्सरसाइजेस शुरू कर दी उनकी आर्मी के साथ। अब बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका बॉर्डर पोलैंड के साथ मिलता है जो नेटो का मेंबर है, और दूसरा यूक्रेन के साथ भी उसका बॉर्डर है। यह भी एक सिग्नल था नेटो की तरफ। नेटो के अब हालात इतने लाचार हैं, बीमार हैं, इतने हालात खराब हैं कि जब ये दुनिया के अंदर सारा कुछ हो रहा है उस वक्त नेटो के अंदर क्या हो रहा है। आखिरी जो क्लोजिंग जिसमें हमारे बाबा जी बाइडन गए और वहां पे उन्होंने खड़े होके साथ जो ज़ेलेंस्की खड़े थे जो यूक्रेन के, जाहिर वो पैसे लेने आते हैं यहाँ पे, सारा पैसा तो वो अमेरिका नहीं लेके जा रहे नहीं यहाँ से, तो वो जब साथ खड़े थे तो उन्होंने उनको कहा ये प्रेसिडेंट पुतिन है, क्योंकि वो तो एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते जो है बाबा जी बाइडन है। उसके बाद दुनिया सारी परेशान है, एलाइज सारे परेशान है कि ये बाबा जी क्या है, ये एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते। यहां से क्यूबा के पास आके रशिया ने 4 शिप्स और एक अपने एटॉमिक सबमरीन के साथ नेवल एक्सरसाइजेस की और ऐसे ऐसे मिसाइल वहां से लाइव उन्होंने टेस्ट किए जिनकी रेंज 600-600 मील थी, लेकिन अमेरिका को परेशान नहीं है कोई, बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र ही नहीं है। साथ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रिक्स ने, और इनको यहां पर CNN ने कवर तक नहीं उसको किया, कोई परेशानी नहीं, क्या फिक्र पड़ना, क्या जरूरत ही नहीं ना। तो इन हालात में जब मोदी जी जब, और दूसरा जो इस वक्त यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा आरजू, मोदी जी का जो रशिया में जाना था उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उनके अपने फॉरेन पॉलिसी है, उन्हें कंसर्न था कि रशिया और चाइना इकट्ठे होते जा रहे हैं और चाइना हमारा एनिमी है, हमारा क्या फ्यूचर है। उन्होंने S-400 ले रखा है, उसकी डिलीवरी पे डिले हो रहा था, वो उन्होंने बातें करनी थी, और मुसलसल ऑयल जो है भारत उनसे ले रहा है, जिसपे जाके उन्होंने एक अपना मिलिट्री पैक्ट साइन किया है और इस तरह की चीजें सारी जो है उनको, और उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया चाइना वाला, और उनको रिसीव बड़े अच्छे तरीके से किया गया टू मेक श्योर के जो है भारत अपने कुछ अपने आप को काम डाउन रख सके। इन सर्कमस्टांसिस में 3 चीजें आज जो हुई हैं जो मैं अभी तो मैं इब्तदाइया बता रहा था आपको, इसके बाद जो 3 चीजें हुई हैं जो मैं हैरान हूं इस चीज पे कि अमेरिकन्स ने थोड़े से मसल फ्लेक्स किए भारत के हवाले से। सबसे पहला लेक्चर एरिक गारसिटी जो कि अमेरिका के एम्बेसडर है भारत के अंदर,
उन्होंने लेक्चर दे डाला और बिलखसूस उन्होंने जो दो चार लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं हैरान था कि इतना इस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। अब उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो उसको किस तरह आप करेंगे जब आप जाके रशिया बैठ गए हैं। दूसरा लेक्चर दूसरी दफा उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप हम आपके हमारे रिलेशनशिप है लेकिन रिलेशन इतने डीप नहीं है। फिर उन्होंने वार्न किया है कि हमारे रिलेशनशिप को ग्रांटेड ना लिया जाए, इसको आसान ना समझो, इतना हम इतने भी नहीं है लाचार। लेकिन मेरा ये मशवरा ये था एरिक गारिसरी से, लेक्चर देने की बजाय प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ दुनिया, अगर दुनिया में अपनी धाक तुमने मनवानी है, दुनिया के साथ रिलेशनशिप रखने हैं, दुनिया को अपनी अकड़ दिखानी है, तो वो कहते हैं कि योर एक्शन स्पीक्स। बाबा बाइडन है ना हमारा कमांडर इन चीफ है, मैं उस पर भी आना चाहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि आज भारत क्यों यहां से परेशान है, मैं कैसे मैं उस पर भी आता दूसरा जैक सुलिवन दूसरा इस पे जो किया मैथ्यू मिलर साहब हैं स्टेट डिपार्टमेंट के जो अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उन्होंने भी कह दिया जी हमने प्राइवेटली अपने इतराज जो है वो भारत को बता दिए हैं प्राइवेटली, वी आर कंसर्न। हालांकि कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, माइक मिलर साहब रोजाना आके इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं, कोई उनको तवज्जो नहीं देता। तीसरा जो कहे जैक सुलिवन जो के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन भाईजान ने भी कह दिया, उन्होंने तो खासकर इंडिया का नाम लिया, उन्होंने कहा जी हम हर मुल्क जो रशिया से डील कर रहा है बिलखसूस इंडिया, हम उनको कहेंगे कि तुम जो जो रशिया पे बैटल लगा रहे हो ये अच्छी बैटल नहीं है। फिर मैं ये कहूंगा, अब उस पर बताना चाहूंगा कि दुनिया भाग क्यों रही। कल बाबा जी बाइडन ने, क्योंकि जब से इनका डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ डिबेट हुई थी सर दुनिया परेशान थी, डेमोक्रेट जाके गवर्नर डेमोक्रेट स्टेटों के गए, उन्होंने भी मिनते की, 11-12 कांग्रेसमैन है उन्होंने भी मिनते की बाबा जी जान छोड़े आप चले जाएं घर चले जाएं, ओबामा की बीवी तैयार है बड़े अरसे से, ओबामा साहब की ख्वाहिश है कि अब हम हमारी फैमिली का बंदा ही कुछ चला ले, पहले भी तो वही चला रहे हैं खैर, लेकिन यहाँ पे इस वक्त ग्रुपिंग हो चुकी है। लेकिन कल बाबा जी ने रिकवरी मोड में आने के लिए डैमेज कंट्रोल है जो वो पिछली डिबेट से था, उन्होंने कहा जी कि मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सारे सवाल बता के बाबा जी को भेजा गया, सारा सेटअप करके स्टेज सेटअप करके व्हाइट हाउस ने जब चलाया, उससे पहले तो खैर आखिरी चीज पे तो मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा जी ज़ेलेंस्की इज़ पुतिन, उसके बाद यहाँ पे बाबा जी आए और यहाँ पे फिर दोबारा ब्लंडर मार गए, कभी वो कैमला हैरिस को कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप है, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, उनके हालात एक फिक्रा कंप्लीट करने की सलाहियत नहीं, उनसे जितने सवाल किए गए वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी सेहत के बारे में, कि और व्हाइट हाउस ने बता दिया है दुनिया को कि ये सुबह 10 बजे से लेकर सिर्फ 4 बजे तक इनकी होश थोड़ी काम करती है, उसके बाद ये होश में नहीं होते। बल्कि कल किसी ने ये भी पूछा कि बाबा जी अगर 4 बजे आपके मीटर बंद हो जाते हैं, अगर 6 बजे कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर कौन करेगा, बाबा जी ने कहा इस तरह करके चले गए। लेकिन मुझे ये बताएं कि इन सर्कमस्टांसिस में मोदी जी रशिया ना जाए तो कहां जाए भाई, चले ठीक है मोदी साहब ने जो बहुत ज्यादा कर दी। और मेरा क्वेश्चन है तीनों बंदों से, एरिक गारसिटी से, जैक सुलिवन से, मैथ्यू मिलर से, इंडियन डायस्पोरा को छोड़ो जी, इंडियन टेक्नोक्रेट्स को यहां से निकालो, तुमने कहा ना कि इसको ग्रांटेड ना लिया जाए, रिलेशनशिप इज नॉट डीप इनफ, वार्न कर रहे हैं, इंडियन टेक्नोक्रेट अगर भारत से निकाल दिया जाए तो जाओगे कहां भी, तुम्हें छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी छुपने की, तुम्हें फिर क्या करोगे, ये भी बताओ ना, दुनिया को बता दो ना कि इंडिया को कहो भाई हाँ हम सारे भारतीय निकाल देंगे, हमारा इंटरेस्ट तुम भी गलत कर रहे हो, कुछ करके दिखाओ ना कि खुद किस काबिल हो। दुनिया परेशान है कि ये बाबा जी किधर जा रहे हैं, हर फ्रंट पे लूज कर रहे हो, हर फ्रंट पे लूज कर रहे हो और फिर दुनिया को धमकियां भी दे रहे हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कास्पी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने बात की कैसे भारत और रूस की दोस्ती की वजह से अमेरिका जो है वो पूरी तरह से बौखला गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।